कौन कहता है कि मरे हुए पीएम से किसी का फायदा नहीं होता। जी हाँ गाइस, अगर आप भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मौत से जुड़ी तमाम सारी थ्योरी से वाकिफ होना चाहते हैं तो आपके लिए मूवी द ताशकंद फाइल रिलीज हो गई है, और इस मूवी के समीक्षा लेकर मैं सत्या राजपूत और आप देखने लगे हैं लल्लूराम.com। ये सत्य और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश है, शास्त्री जी का क्यों नहीं। ये मूवी हिस्ट्री के सर्वाधिक कंट्रोवर्सल अध्याय यानी स्वतंत्र देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के इर्द गिर्द बुनी गई है, जहां पर सवाल उठाए गए हैं कि क्या पूर्व पीएम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है या स्वाभाविक मृत्यु थी, या ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें जहर दे दिया गया था। आपको बता दें कि उनकी मौत 11 जनवरी 1966 को हुई थी। उनकी मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, उनके शरीर पर जगह जगह कट्स के निशान क्यों थे, उनकी पार्थिव शरीर को जब भारत लाया गया तो वह सूजा और काला क्यों था, इन सवालों पर मूवी बनाई गई है। इस मूवी को लेकर दर्शकों का क्या कुछ राय है, सबसे पहले आइए दर्शकों से ही जानते हैं। बहुत बढ़िया हो रही फिल्म है और इसको सारे हिंदुस्तान में सबको इसको देखना चाहिए। ये फिल्म जो है सवालों के जवाब भी देती है, ये सबसे इफेक्टिव बात है। लोग समझते हैं कि अगर सवाल खड़े करती है तो गलत समझना होगा, ये जवाब देती है। वो कुछ चीज़ें जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं उस देश में, उन सारी चीज़ों को सबके सामने ले आकर रख देती है। 2 अक्टूबर को किसने लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन इस देश के अंदर मनाया? ये गांधी के आगे कहीं कुछ था ही नहीं इस देश के अंदर, नेहरू के आगे किसी देश के अंदर कुछ था ही नहीं, इंदिरा गांधी के आगे कुछ इस देश के अंदर था ही नहीं। कैसी डेमोक्रेसी, कहाँ की डेमोक्रेसी। बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई और ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। कहते हैं कि नेहरू जी और गांधी जी का देश है, तो हिरण कहती है शास्त्री जी का नहीं। सभी को याद है 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लेकिन उस दिन शास्त्री जी का भी जन्मदिन था, ये किसी को पता नहीं। हमको बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सच्चाई छुपाई देते, सब दबाई देते, कुछ दिखाते नहीं। हमको इस फिल्म में सब कुछ बता दिया। सब बहुत अच्छी फिल्म है और ये बहुत सारे फैक्ट्स को ये फिल्म ओपनली बता रही है कि क्या क्या हुआ था लाल बहादुर के साथ। अगर ये स्क्रिप्ट के हिसाब से हम चले गए तो इट इज़ अ वेरी बैड फॉर कॉमेडी स्टार। आई गिव 4 out of 5। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। फिल्म की कहानी एक अति महत्वाकांक्षी पॉलिटिकल पत्रकार के स्कूप लाने के लिए चैलेंज से शुरू होती है। ये पत्रकार है रागनी श्वेता बासु प्रसाद। उसे उसके बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिनों के अंदर उसे कोई स्कूप लाना होगा, वरना उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद उसे अपने जन्मदिन पर एक लीड मिलती है जो पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर है। उसे उकसाया जाता है कि अगर इस विवादास्पद पहलू पर सरकार को जवाबदेह बनाएगी तो वह बहुत बड़ा स्कूप बन सकता है। उसके बाद रागनी इन्वेस्टिगेट करने में जुड़ जाती है और अपने सवालों से तहलका मचा देती है कि पूर्व पीएम की मौत स्वाभाविक थी या नहीं। We want to know शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? Was it a heart attack? डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस जटिल विषय पर फिल्म बनाने के लिए कमेटी की डिवाइस बनाकर आम आदमी के लिए समझने के लिए एक बेहतरीन काम किया है। रागनी के पॉइंट ऑफ व्यू से विवेक का मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु जहर देकर ही की गई थी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग सबूत पेश किए जो दुनिया भर की किताबों में दर्ज है। ऐतिहासिक किताबों के अलग अलग एंगल को लेकर विवेक साबित जरूर करते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम ना किया जाना और उनके शरीर का काला पड़ जाना कहीं न कहीं एक रहस्य जरूर पैदा करता है, और इसके पीछे स्टेट की स्पॉन्सरशिप रही या शंका भी वो जताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वेटरन लीडर्स ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई, मगर साथ ही वो अपनी जिम्मेदारियों से डिस्क्लेमर देकर बच जाते हैं कि सिर्फ रचनात्मक कार्य है। ऐसे में रचनात्मक कार्य पर कितना विश्वास किया जाए यह कहना मुश्किल है। सच जानना नहीं बल्कि झूठ क्रिएट करना है।
द ताशकंद फाइल्स के पहले बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी से टक्कर होने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के बाद पीएम मोदी की बायोपिक पर लोकसभा चुनाव खत्म होने तक रोक लग गई है। द ताशकंद फाइल्स को बॉक्स ऑफिस पर सिंगल रिलीज का फायदा मिलेगा। ट्रेंड एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओपनिंग डे पर द ताशकंद फाइल्स 1 से 1.5 करोड़ रुपए की बिजनेस कर सकती है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने मूवी के बहाने गांधी परिवार पर निशाना भी साधा है, साथ ही फिल्म जरूर देखने की अपील भी की है। अभिनय की अगर बात करें तो श्वेता बसु प्रसाद अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती हैं। इसके अलावा पल्लवी जोशी, नसरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, वीएम बड़ोद, मंदिरा बेदी और राजेश शर्मा जैसे कलाकार फिल्म का सशक्त आधार रहे हैं। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, त्रिपाठी के किरदार में एक मिथुन चक्रवर्ती पूरी तरह छाए रहे। कुल मिलाकर अगर आपको राजनीतिक फिल्मों में दिलचस्पी है और अगर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मौत से जुड़ी तमाम सारी थ्योरी से आप वाकिफ होना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देखने जा सकते हैं। ये फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने 3 साल तक रिसर्च किया है। विवेक की टीम ने 125 RTI फाइल्स की थी, लेकिन उन्हें किसी भी मंत्रालय से शास्त्री जी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। क्या उसमें जहर था? उन्होंने बजर या बेल दबाया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ बेल या बजर था ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई साजिश? शास्त्री डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, एवरीथिंग एल्स इज अ लाइ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।